अस्सलाम वालेकुम आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम स्टूडेंट्स ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है इसमें हम एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर कंप्लीट करेंगे आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको किसी प्राइबला की इक्वेशन गिवन हो और आपको उसके एलिमेंट्स मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप पर फर्ज होगा कि आप पहले जजमेंट करें जजमेंट किस बात की आप जज करें कि वो राइट वर्ड ओपन प्राबला है या लेफ्ट वर्ड ओपन प्राबला है वो अपवर्ड ओपन प्राबला है या डाउनवर्ड ओपन प्राबला है या वो इन चारों केसेस में से कोई नहीं है बल्कि एक रोटेटेड प्राबला है ये जजमेंट आपने सबसे पहले परफॉर्म करनी है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर किसी प्राबला की इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो रोटेटेड प्राबला है हमारे केस में यानी हमारे प्रॉब्लम नंबर वन के टेन पार्ट्स के अंदर किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है सो so, हमारे तमाम प्रैब्लाज स्टैंडर्ड प्राब्लाज हैं यानी इनमें से कोई भी रोटेटेड प्रैब्ला नहीं है लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट फोर पार्ट्स डिस्कस किए उन फर्स्ट फोर पार्ट्स की इक्वेशंस के अंदर यानी प्रैब्लाज की इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो थी यानी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रैब्ला का वर्टेक्स ऑरिजन पर होगा स्टूडेंट्स इन तमाम पार्ट्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू नजर आएगी यहां पर आपको नजर आ रहा है कांस्टेंट यहां पर नजर आ रहा है यानी कांस्टेंट जीरो नहीं है यहां पर भी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है यहां पर भी यहां पर भी अगेन यहां पर भी इसका मतलब यह है कि ये तमाम प्रैबलाज ऐसे हैं जिनका वर्टेक्स ऑरिजन पर नहीं है स्टूडेंट्स मैथड में कोई चेंज नहीं है एग्जैक्टली वही मैथड है जो हमने लास्ट लेक्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज किया एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर हमने चलना है यानी सबसे पहले अगर हम थिंकिंग प्रोसेस की बात करें तो अगेन वही बात आपने जजमेंट करनी है जब आपने जजमेंट कर ली तो आपने ये करना है कि चाहे वर्टेक्स ओरिजिन पर हो या ना हो आपने एक रफ में प्रैबला बना लेना है मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं अभी पार्ट एट पार्ट एट की हमने जजमेंट परफॉर्म की थी ये अपवर्ड ओपन प्रैबला है मैंने एक अपवर्ड ओपन प्रैबला बना लिया जिसका वर्टेक्स ऑरिजन पर है हालांकि इसका वर्टेक्स ऑरिजन पर नहीं है लेकिन आपने जो अपना प्राब्ला बनाना है उसकी ओपनिंग को आपने यहां पर करेक्ट बनाना है वर्टेक्स ओरिजिन पर हो ना हो आपने ऐसा ही बनाना है जैसा वर्टेक्स ओरिजिन पर है इससे फायदा क्या है इससे स्टूडेंट्स आपको फार्मूलाज रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी अब फार्मूलाज रिकॉल करने में कैसे आसानी होगी स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फोकस कहां पर है इसका फोकस आप जानते हैं कि यहां नहीं होगा यहां नहीं होगा यहां नहीं होगा बल्कि इस लाइन पर होगा यानी पॉजिटिव एक्सिस पर कहीं पर होगा मैं फर्ज करता हूं कि इसका फोकस जो है वो यहां पर है अब स्टूडेंट्स फोकस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा शाबाश जी चूंकि एक्सिस पर है सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा आप इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख लें मैं यहां पर लिखता हूं फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये स्टूडेंट्स हमारा है वर्टेक्स वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है शाबाश कोई भी प्राब्ला हो कोई भी चाहे इवन रोटेटेड प्राब्ला हो वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है उसे हम ए से डिनोट करते हैं यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए है अब आप यहां से यहां तक ए यूनिट्स ऊपर आए इसका मतलब है कि यहां पर वाई वैल्यू जो होगी वो ए होगी ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स आप देख ही चुके हैं कि ये हमारा ओरिजिन पर है अब आप आ जाएं डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर स्टूडेंट्स वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी A होता है। लेकिन, के पर, अब यहां पर आप गए नीचे ए यूनिट्स डिस्टेंस पर नीचे अब यहां पर y की वैल्यू क्या है शाबाश नेगेटिव एक्सिस पर है आप यहां पर वाई की वैल्यू माइनस है स्टूडेंट्स ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन तो यहां पर हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई वो आ गई वाई इज इक्वल टू माइनस ए ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सेस ऑफ प्राइवला की एक्सेस क्या है एक ऐसा एक ऐसी लाइन जो फोकस और वर्टेक्स से पास करे या एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो या वर्टेक्स से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो यहां पर यह है हमारी लाइन

लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंग ऑफ अ कर्व कॉर्ड सिर्फ सर्कल का नहीं होता किसी भी कर्व का कॉर्ड हो सकता है दो डिस्टिंग को अगर आप आप कर दें किसी भी कर्व के तो आप उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड का नाम देते हैं अब के केस में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे वो फोकल कॉर्ड कहलाता है आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन एक फोकल कॉर्ड ऐसा होगा जो कि एक्सेस ऑफ प्राबला पर परपेंडिकुलर होगा उस कॉर्ड को उस फोकल कॉर्ड को बुनियादी तौर पर लेटेस्ट रेक्टम का नाम दिया जाता है यानी अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम एक और बात हमेशा याद रखें आपके डायरेक्ट्रिक्स के पैरल होता है हमेशा यहां से स्टूडेंट्स पास किया फोकस से लेटेस्ट रेक्टम यह मैंने ड्रॉ कर दिया अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है इस पर y की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है अब इस लाइन पर y की वैल्यू क्या है शाबाश ये लाइन यहां से पास करी यहां पर y की वैल्यू है a सो so, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एंट्स ये हमारे पास फोकस ये वर्टेक्स ये डायरेक्ट्रिक्स ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन और ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स ये हमने सिंपलेस्ट रिकॉल किया कंसेप्चुअली इनफैक्ट मैं ये चाहता हूं कि आप रट्टा ना मारे फार्मूलाज को आप जब आपके सामने प्रॉब्लम आए आप फॉरन आप इस तरह से एक रफ प्राबला बनाएं जो आपको रिक्वायर्ड है जो आपका प्रॉब्ला है ये हमारा अपवर्ड प्रॉब्ला है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं सो हमने वो अपवर्ड प्राब्ला बनाया जैसे आप बनाएंगे कंसेप्चुअली स्पीकिंग आपको तमाम फार्मूलाज याद आ जाएंगे अब आप क्या करें अब स्टूडेंट्स आप एक्स की वैल्यू के अंदर एच और वाई की वैल्यू के अंदर के एड कर दें अब ये करने के बाद क्या होगा x की वैल्यू में h और y की वैल्यू में k ऐड कर दें हमारा जो फोकस है वो बन जाएगा h प्लस जीरो इज एच और यहां पर a प्लस के एच और k जानते हैं आपके ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरली स्पीकिंग सर्कल में जब हमने बात की थी वहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है यहां पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पर एच और के ऐड किया तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स यहां पर y की वैल्यू में k ऐड होगा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस के ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई एक्सिस की इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इज इक्वल टू एक्स की चूंकि ये वैल्यू है जीरो सो जीरो में एच ऐड हो जाएगा और यहां पर k ऐड हो जाएगा a प्लस के अब स्टूडेंट्स अगर हमारा जो प्रॉब्लम है उसका वर्टेक्स वाकई ओरिजिन पर हुआ तो क्या होगा एच और के जीरो हो जाएंगे एच और K जीरो होने से आप के जीरो वैल्यूज के ऊपर आ जाएंगे फार्मूलाज के ऊपर आ जाएंगे और अगर एच और के वैल्यूज नॉन जीरो हुई तो आपके जो है तमाम वैल्यूज आपकी उस हिसाब से रीडिफाइन हो जाएंगी आइए स्टूडेंट्स अब हम इस पार्ट को यानी पार्ट एट को सॉल्व करते हैं अब यहां पर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आपने देखना है कि अगर आपके पास एक्स स्क् टर्म मौजूद है इक्वेशन के अंदर तो आपने एक्स के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है और अगर वाई स्क्र टर्म मौजूद है तो आपने वाई के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है और एक्स जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को वन होना चाहिए अब यहां पर एक्स स्क् टर्म है इसका कोएफिशिएंट है गुड ये इस वक्त हमारे पास आइडियल यानी कंडीशन में मौजूद है हम इसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं अब ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर कंप्लीट है अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्त आएगा वो वन आएगा ये भी इस वक्त परफेक्ट जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वक्त मौजूद है आप इसे कंपेयर कर सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू के साथ अब ये हमारे पास इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है इसीलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आपके लिए पार्ट एट और पार्ट नाइन सॉल्व करूंगा इन दो पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा आइए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं गिवन इक्वेशन इज वाईज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्टूडेंट्स हमने एक्स के लिए स्क्वेयर कंप्लीट करना है और एक्सक्वेर के कोट को वन बनाना है अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्ट को वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मैं one को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं यानी सिक्स टू वाई प्लस वन अब सिक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा एक्स स्क्वल टू वन बाय सिक्स इंटू वाई प्लस वन अब स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन ये इस शक्ल में आ चुकी है आप इस शक्ल में इसे समझ लें या इस शक्ल में समझ लें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है अब हम यहां पर लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन ये जो जजमेंट है कि किस टाइप का प्रॉब्लम बड़ी डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की लास्ट लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन We knew that it is an upward open parabola. So comparing it with स्टैंडर्ड इक्वेशन इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं अब अपवर्ड ओपन प्राब्ला की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल इक्वल टू फोर ए इंटू वाई माइनस के स्टूडेंट्स आपको h, ए और के ये तीन वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं और आपका काम शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करें तो h की वैल्यू बनती है जीरो की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बन रही है शाबाश जी के वैल्यू इनफैक्ट माइनस के प्लस वन के इक्वल है तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन फोर ए की वैल्यू वन बाय सिक्स अब स्टूडेंट यह भी बताएं कि फोर ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है शाबाश प्रॉब्लम में फोर ए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है सो so, ये हमारे इस प्रावला की जो लेटेस्ट एक्टम की लेंथ है वो है वन बाय सिक्स ए की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से आ गई वन बाई ट्वेंटी फोर इन वैल्यूज को जरा थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं इन्होंने अभी हमारे बहुत काम आना है हमारे तमाम फार्मूलाज के अंदर यही तीन वैल्यूज इन्वॉल्व हैं अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन एलिमेंट्स मालूम करते हैं सबसे पहले है वर्टेक्स हम यहां हेडिंग देंगे वर्टेक्स सिंस वर्टेक्स हमारे पास होता है ये हमने यहां पर बात की थी कि वर्टेक्स होता है एच कॉमा के सो एच की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है जीरो और के की वैल्यू है माइनस वन ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास वर्टेक्स क्स्ट स्टूडेंट्स फोकस यकीन आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप रेड कलर यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये अलाउड नहीं होता फोकस फोकस स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपवर्ड ओपन प्राब्ला केस में फोकस हमारे पास होता है स्टूडेंट्स अपवर्ड ओपन केस में एच कॉमा ए प्लस के ये स्टूडेंट्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है जीरो ए की वैल्यू हमारे पास है वन बाई ट्वेंटी फोर और के की वैल्यू है माइनस वन अब स्टूडेंट्स इसे हमने सिंप्लीफाई करना है फोकस हमारे पास आ गया जीरो कॉमा ट्वेंटी फोर इंटू वन इज ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस वन इज माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी फोर अब स्टूडेंट्स एक बात ऑब्जर्व करें हमारा वर्टेक्स और फोकस ये एक्सिस के ऊपर होते हैं दोनों अब दोनों में एप्सिसा सेम है जब भी दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर होते हैं तो उनका सेम होता है या जब एफसी सेम हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों वर्टिकल लाइन पर मौजूद हैं। अब उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बुनियादी तौर पर यही होगी अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है बुनियादी तौर पर डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स का हमारे पास फॉर्मूला बना था अपवर्ड ओपन प्रॉब्ला केस में वाईज इक्वल टू माइनस ए प्लस के सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर ए की वैल्यू प्लस के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है माइनस वन अब ये भी इनफैक्ट अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर माइनस वन अब ट्वेंटी फोर इंटू माइनस वन इज माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन इज माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम हमेशा y प्लस ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई अब जो हमसे पूछा गया था वो तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन हम दो मजीद एलिमेंट्स मालूम कर देंगे ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस करना आ जाए हम अब बात करेंगे एक्सिस की और लेटेस्ट एक्टम की डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सेस एक्सेस की इक्वेशन की अभी हमने बात की थी और और तो मतलब कि चूंकि एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स लाइन पर होते हैं इन दोनों में एफसीसा की वैल्यू है जीरो सो एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे एक्सिस की इक्वेशन है हमने जो फार्मूला इसका बनाया था वो है एक्स इज इक्वल टू एच उसके मुताबिक भी देखते हैं एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर आ गया ये हमारे एक्सेस की इक्वेशन आ गई इसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है अब स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम की स्टूडेंट्स इक्वेशन इक्वेशन हमने इसकी बनाई थी y वैल्यू वन बाई ट्वेंटी फोर और k की वैल्यू है ये बन गया वाई प्लस ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई इक्वेशन लेटेस्ट एक्टम की और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि वो फोर ए के इक्वल होती है और ये वैल्यू हमने मालूम कर ली थी लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम इज इक्वल टू फोर ए देर इज फोर ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने शुरू में ही बात की थी दैट वाज वन बाय सिक्स ये स्टूडेंट्स आगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम अब हमने ग्राफ स्केचिंग करनी है ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा आएगा टेबल स्टूडेंट्स टेबल में आप उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की दो कॉलम बनाएंगे एक एक्स और एक वाई सबसे पहला पॉइंट जो आप टेबल में लिखेंगे वो है आपका वर्टेक्स स्टूडेंट्स हमने जो यहां पर वर्टेक्स मालूम किया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो कॉमा माइनस वन यानी एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस वन अब स्टूडेंट्स ये किस टाइप का प्राब्ला है द आंसर इज ये अपवर्ड प्राब्ला है अब स्टूडेंट्स अपवर्ड प्राब्ला है तो हम यहां पर वाई की वैल्यूज को चेंज करेंगे अब वर्टेक्स में वाई की वैल्यू है माइनस वन आप फर्दर फोर पॉइंट्स ले लें वैसे आप जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना रिफाइंड प्राब्ला ड्रॉ होगा लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि फोर पॉइंट इनफ होंगे आप माइनस वन के बाद आप वैल्यू ले लें आपने ऊपर की तरफ जाना है माइनस वन के बाद y की वैल्यू फिर one, फिर two, फिर यानी ये वैल्यूज वाई की इन फोर वैल्यूज के अगेंस्ट इनफैक्ट एक्स की आपको हर वैल्यू के अगेंस्ट दो दो वैल्यूज मिलेंगी ये जीरो के अगेंस्ट दो वैल्यूज ये वन के अगेंस्ट दो वैल्यूज टू तो के अगेंस्ट दो वैल्यूज तो और थ्री के अगेंस्ट दो वैल्यूज यानी टोटल पॉइंट्स आपके पास हो गए नाइन एक वर्टेक्स और फर्दर आपने एट पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए स्टूडेंट्स आप आ जाए एक्सवाई प्लेन पर इन नाइन पॉइंट्स को आप लोकेट करके डॉट्स लगा दें और देन एक स्मूथ कर्व के जरिए इन्हें ज्वाइन कर दें दोनों साइड्स पर एरोहेड बना दें स्टूडेंट्स ये आपका प्राब्ला मुकम्मल हुआ अब आप फोकस को यहां पर मैंशन कर दें वर्टेक्स को मैंशन कर दें और इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ड्रॉ करके आप उसकी इक्वेशन साथ लिख दें स्टूडेंट्स ये हमने बड़ी खूबसूरती के साथ मुकम्मल प्रैबला ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट नाइन की जानेब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं नाइन्थ पार्ट स्टूडेंट्स नाइन्थ पार्ट की हमने लास्ट लेक्चर के शुरू में जजमेंट की थी कि ये राइट वर्ड ओपन प्राब्ला है सो so, आप राइट वर्ड ओपन प्राब्ला बना लें जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो चाहे इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है लेकिन आपने जो अपने फार्मूलाज रिकॉल करने स्पीकिंग उसके लिए आपको वर्टेक्स ऑरिजिन पर ही रखना है स्टूडेंट्स आप जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे आपको फार्मूलाज याद आना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो फोकस है वो कुछ यहां पर होता है यानी इस लाइन पर होगा हम फर्ज करते हैं कि फोकस है यहां पर अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा चूंकि फोकस एक्स एक्सिस पर है सो वाई कोऑर्डिनेट हमारा होगा जीरो है हमारा वर्टेक्स अब वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ये ए यूनिट होता है आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर राइट साइड पर आए हैं सो so ये हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का फोकस का ये हो जाएगा ए अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी ए यूनिट्स होता है लेकिन आप आ गए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमने ड्रॉ कर दी इसकी इक्वेशन चूंकि इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू माइनस ए है और इस लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहनी है चूंकि वर्टिकल लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए मैं यहां पर लिखता हूं अगेन ताकि हम सारा कॉन्सेप्ट अपना बना सके फोकस हमारे पास आ गया ए जीरो वर्टेक्स हमारे पास है जीरो कॉमा जीरो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और देन ऐसी लाइन होती है आप जानते हैं कि जो फोकस और वर्टेक्स से पास करे ये हमारा फोकस और ये वर्टेक्स ये है हमारी लाइन जो जिसे हम कहते हैं एक्सेज ऑफ प्राब्ला इसे एक्सेज ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है प्राब्ला के लिए स्टूडेंट्स ये हमारा है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हैं वाईज इक्वल टू जीरो अब students, की students, ये हमारा ये मैं पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ये हमारी वर्टिकल लाइन अब students, ये x की वैल्यू a में से पास कर रही है वर्टिकल लाइन सो so x इज इक्वल टू ए ये हमारे पास है लेटेस्ट एक्टम की इक्वेशन अब स्टूडेंट्स ये तो कहानी उस सूरत में है कि जब आपका वर्टेक्स जो है वो ऑरिजन पर होगा और अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो चेंज क्या आएगा स्टूडेंट्स एक्स वैल्यू के अंदर एच ऐड हो जाएगा और वाई वैल्यू के अंदर के ऐड हो जाएगा अब हम बना लेते हैं एच और K के बाद जो हमारे फॉर्मूलाएगा ए प्लस एच और जीरो प्लस के के आ जाएगा यहां पर वर्टेक्स हमारे पास एच के उसके बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच चूंकि ये x की वैल्यू है सो so x की वैल्यू में मैंने h ऐड कर दिया y की वैल्यू में हम k ऐड करेंगे और यहां पर भी x की वैल्यू है तो इसमें h ऐड हो गया ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम फार्मूलाज आ गए अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा h और k जीरो होने की सूरत में आपके ये फार्मूलाज वापस आ जाएंगे और अगर h और k नॉन जीरो हुए तो आपके ये फार्मूलाज एग्जैक्टली exactly, इसी तरह से यूज होंगे अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं पार्ट नाइन अब आप पार्ट नाइन में अगर देखें तो हमें वाई टर्म नजर आ रही है हमें वाई के लिए स्क्वेयर कंप्लीट करना है और वाई टर्म है इसका coefficient 1 होना चाहिए पॉजिटिव वन होना चाहिए अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन इक्वेशन इज एक्स प्लस एट माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि वाई का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 भी बन जाए और पॉजिटिव भी हो जाए पॉजिटिव 1 1 तो पहले ही है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा सो वाई स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस एट अब स्टूडेंट्स हमें y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है ताकि ये जो इक्वेशन है इसकी शक्ल बन जाए माइनस के होल इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स माइनस एच लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे ये हमारे पास वाई स्क्वायर टर्म इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अब स्टूडेंट्स जो वाई वाली टर्म है ये इनफेक्ट टू ए बी टर्म है अब यहां पर अगर माइनस है तो इसका मतलब है ये माइनस टू ए बी टर्म है माइनस टू ये आ गया वाई ए स्क्वाइनस टू ए अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि प्रोडक्ट करने से हमारे पास टू वाई आ जाए वापस शाबाश टू वाई मुकम्मल हो चुका है यहां पर हमें वन लिखना चाहिए यानी ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये हमने अपने पास से लिखा है कीप इन माइंड एक्स प्लस एट प्लस वन का स्क्वायर ये हमने राइट right साइड पर भी लिख दिया लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया students, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है आप रहे होंगे कि राइट right साइड पर ब्रैकेट नहीं कोई बन रही तो स्टूडेंट्स बना लें कोई मसला नहीं सिर्फ लिखने का अंदाज है हमारा हम यहां लिख सकते हैं वन इन टू एक्स प्लस नाइन ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम यहां पर लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन, वी न्यू दैट इट इज अ राइट वर्ड ओपन प्रैबला सो कंपेरिंग एट विथ स्टैंडर्ड इक्वेजन इसे स्टैंडर्ड इक्वेजन के साथ कंपेयर करेंगे राइटवर्ड ओपन प्राब्ला की स्टैंडर्ड इक्वेजन हमारे पास होती है वाई माइनस के होल स्क्वल टू फोर ए इंटू एक्स माइनस एच अब फ्रेंड्स यहां से हमने वैल्यूज निकालनी है के वैल्यू क्या बन रही है शाबाश y माइनस के यहां पर y माइनस वन के की वैल्यू आ गई वन h की वैल्यू क्या बन रही है यहां पर है माइनस एच यहां पर है प्लस नाइन सो एच की वैल्यू माइनस नाइन अब स्टूडेंट्स फोर ए हमारे पास इक्वल है वन के यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है इस प्राबला की वो वन है फोर ए आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाय फोर ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन स्टूडेंट्स ये तीन वैल्यूज को जरा हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें क्योंकि इनकी बेस पर हमने आगे चलना है इनको हाईलाइट कर लें अब स्टूडेंट सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वर्टेक्स का वर्टेक्स स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि हमने यहां मालूम किया था एच कॉमा के वर्टेक्स राइटवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड हर केस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यही रहते हैं वर्टेक्स होता है एच कॉमा के सो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहां पर माइनस नाइन और के की वैल्यू है वन माइनस नाइन और के की वैल्यू है वन ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वर्टेक्स वर्टेक्स के बाद हम बात करेंगे फोकस की राइटवर्ड ओपन प्रॉब्लम केस में फोकस के स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम किए थे ए प्लस एच कॉमा के अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है वन बाय फोर एच की वैल्यू हमारे पास माइनस नाइन और के की वैल्यू है वन इसे सिंप्लीफाई किया फोर नाइन आर थर्टी सिक्स वन माइनस थर्टी सिक्स इज माइनस थर्टी फाइव बाय फोर फोर आर थर्टी सिक्स वन माइनस थर्टी सिक्स विल बी माइनस थर्टी फाइव बाय फोर वन अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज हमने ऑब्जर्व करनी होती है हम जानते हैं कि फोकस और वर्टेक्स दोनों एक्सेज ऑफ प्रैबला पर आते हैं आप जरा फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखें ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स और ये हमारे पास है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है स्टूडेंट्स अगर दो पॉइंट्स का ऑर्डिनेट सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन है वो उसी सेम ऑर्डिनेट से हमें मिलती है यहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू वन यहां पर भी ऑर्डिनेट की वैल्यू वन इसका मतलब है कि एक्सिस की जो इक्वेशन है वो वाई इज इक्वल टू वन होगी ये स्टूडेंट्स हमने फोकस और वर्टेक्स को देखकर इनफैक्ट जज कर लिया अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर डायरेक्ट्रिक्स की स्टूडेंट्स इक्वेशन जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो था एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच राइट वर्ड ओपन प्रॉब्लम टू माइनस ए प्लस एच एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ए की वैल्यू है माइनस नाइन फोर नाइन थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स माइनस वन माइनस थर्टी सेवन एक्स प्लस थर्टी सेवन बाय फोर इज इक्वल टू जीरो आप फर्दर सिंप्लीफाई यहां पर कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर को रिमूव uh, करने के लिए आप फोर से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास आ जाएगा फोर एक्स प्लस थर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स आपके पास आ गई डायरेक्टिक्स की अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सिस की एक्सेस की इक्वेशन अभी हमने मालूम कर ली थी कि वाई इज इक्वल टू वन है हम यहां पर फॉर्मूला का जिक्र कर देते हैं सिंस एक्सिस की इक्वेशन राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इन चार केसेस के अंदर फोकस और वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स देखकर हमें पता चल जाती है आपके एमसीक्यूज के लिए आपको बता रहा हूं दोबारा बता देता हूं फोकस और वर्टेक्स को अगर आप देखें आप इन दोनों में देखें कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कौन सा सेम आ रहा है दोनों के अंदर इन चार केसेस में कोई एक जरूर सेम होगा आप वो सेम वैल्यू पकड़े वो अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स इज इक्वल टू वो वैल्यू और अगर वो वाई की वैल्यू है तो वाई इज इक्वल टू वो वैल्यू आपके पास एक्सिस की इक्वेशन होगी यहां पर y is equal to 1, हमारे पास X's की इक्वेशन है लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फॉर्मूला एक्सिस के लिए हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है वाई इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के हमारे पास फार्मूला जब राइटवर्ड ओपन प्रॉब्लम होगा वाई इज इक्वल टू के अब के की वैल्यू है वन क्वल टू वन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में हमने एक्सिस की इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारा फोकस से पास करता है अब हमारे पास यहां पर ये यह जो प्रॉब्लम है ये राइट वर्ड ओपन प्रॉब्लम है

अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करें लेटेस्ट सेक्टर की इक्वेशन हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पहले हम बात करें इक्वेशन की एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच अब ए और एच की वैल्यूज पुट करते हैं ए की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है वन बाय फोर और h की वैल्यू है माइनस नाइन फोर नाइन थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस वन माइनस थर्टी फाइव लेफ्ट साइड पर x प्लस इज इक्वल टू जीरो पर बताया था ये वही वैल्यू है मैंने उसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया फोर एक्स प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स आ गए लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम फॉर्मूला होता है फोर इंटू ए फोर ए फोर इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है वन बाय फोर और लेटेस्ट एक्टम की लेंथ आ गई वन नो स्टूडेंट्स ग्राफ स्केचिंग ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले टेबल स्टूडेंट्स हम बनाएंगे टेबल दो कॉलम्स हमारे एक एक्स और दूसरा वाई सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इस टेबल के अंदर वर्टेक्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस नाइन कॉमा वन एक्स की वैल्यू माइनस नाइन और वाई की वैल्यू वन अब स्टूडेंट्स ये हमारा राइट वर्ड ओपन प्रॉब्लम है यानी यहां पर हम एक्स वैल्यूज को चेंज करेंगे आप स्टूडेंट्स माइनस नाइन के बाद आप यानी राइट right साइड पर आप चलेंगे तो आप माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स और माइनस फाइव ये चार वैल्यूज ले लें इन चार वैल्यूज के अगेंस्ट आपको हर वैल्यू के अगेंस्ट एक्स की दो दो वैल्यूज मिल गई ये आपने तमाम वैल्यूज को लिख दिया स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल पॉइंट्स हो गए नाइन एक वर्टेक्स और फर्दर ये जो हमने एट पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए अब स्टूडेंट्स आप एक्स फाइव प्लेन पर इन तमाम पॉइंट्स को लोकेट करें डॉट्स प्लेस करें और इन डॉट्स को स्मूथ कर्व के जरिए ज्वाइन कर करेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ग्राफ स्केचिंग में मैंने आपको ये नहीं बताया। आपने हमेशा का जो एंड जो पॉइंटेड जरूर लगाना है अब स्टूडेंट्स आप फोकस यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स मेंशन कर दें और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी ड्रॉ करके उसकी इक्वेशन साथ लिख दें ये स्टूडेंट्स हमारी ग्राफ स्केचिंग इस प्रॉब्लम के लिए मुकम्मल हुई अब स्टूडेंट्स जो तो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं होमवर्क के तौर पर यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज